और इधर जापानी द्वीप के पास से गुजरे रूसी वॉरशिप 10 वॉरशिप दिखने के बाद जापान टेंशन में है। जापान के ईजु द्वीप के पास से गुजरे हैं ये रूसी वॉरशिप। रूस चीन की दोस्ती से जापान की बढ़ी है चिंता। रूस यूक्रेन जंग के बाद क्या एक नया वॉर फ्रंट खुलने जा रहा है? क्या रूस और चीन मिलकर जापान के खिलाफ कोई साजिश रच रहे हैं? आखिर ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से जापान घबरा रहा है? दरअसल पिछले एक हफ्ते में रूसी वॉरशिप जापान के बेहद नजदीक से गुजर रहे हैं, ये कोई आम बात नहीं है। 3 दिन पहले रूस के 7 वॉरशिप टोक्यो के दक्षिण में ईजु द्वीप के पास से गुजरे, जिसने जापान की टेंशन बढ़ा दी है। जापान और रूस के बीच द्वीपों को लेकर बॉर्डर विवाद सालों पुराना है। वहीं दूसरी ओर चीन के निशाने पर ईस्ट चाइना सी में मौजूद जापानी द्वीप हैं। पिछले साल चीन और रूस के 10 युद्धपोत जापान के चारों तरफ मंडराते देखे गए थे। तभी से जापान ने अपनी सुरक्षा के लिए कमर कसना शुरू कर दिया और कई देशों के साथ रक्षा समझौते किए। अब जिस तरह से जापान के इर्द गिर्द रूस और चीन की मिलिट्री एक्टिविटी बढ़ती जा रही है, ऐसे में जापान को यूक्रेन जैसे हमले का डर सताने लगा है और उसे लगता है कि इस हमले में रूस के साथ चीन भी शामिल हो सकता है।